हेलो एवरीवन, हम लोगों ने हमारे अकाउंटिंग में टू पार्ट्स कर लिए हैं, जिसमें फर्स्ट पार्ट में मैंने आपको अकाउंटिंग से इंट्रोड्यूस करवाया था कि अकाउंटिंग क्या सब्जेक्ट है और आप लोगों को अब उसमें और क्या क्या आगे देखने मिलेगा। उससे हमने अभी अपना इंट्रोडक्शन किया था, आई मेक यू अवेयर विद फ्यू थिंग्स लाइक कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है अकाउंटिंग की, उसके बाद अकाउंटिंग की ज़रूरत क्या है, अकाउंटिंग का एक प्रोसेस होता है वो क्या होता है, और अकाउंटिंग की डेफिनेशन। उसके बाद सेकेंड क्लास में हमने अकाउंटिंग के ऑब्जेक्टिव्स किए थे और तीन चीज़ें पढ़ी थी कि अकाउंटिंग क्या है। उसमें मैंने आपको बताया था कि एक बुक कीपिंग होती है जिसमें हम सिर्फ रिकॉर्ड्स रखते हैं, आफ्टर दैट अकाउंटिंग आती है जिसमें हम उनको इंटरप्रेट करते हैं रिजल्ट्स को, और आफ्टर दैट अकाउंटेंसी आती है जिसमें हम इम्प्लीमेंटेशन करते हैं, अपने रिजल्ट्स के ऊपर एक्शंस लेते हैं। अकाउंटेंसी इज़ अ वाइड टॉपिक विच कंटेन्स बुक कीपिंग एंड अकाउंटिंग बोथ। आज हम पार्ट थ्री करने वाले हैं, इसमें एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस करेंगे इसके, और कुछ छोटे छोटे टॉपिक्स हैं जो आपके रह गए हैं लाइक यूज़र्स कौन है, पोटेंशियल यूज़र्स कौन से होते हैं अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन के, वो मैं आपको बताने वाली हूँ आज। और उसके अलावा जो आपके एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस हैं, और फिर टर्मिनोलॉजी है आपकी कि आपको कौन कौन से टर्म सुनने में आएंगे। सी देर आर नंबर ऑफ थाउजेंड ऑफ टर्म्स जो आपको समझने पड़ेंगे अकाउंटिंग के लिए, जैसे बहुत सारी चीज़ें हैं जो मुझे पता है बट आई कांट मेक यू अंडरस्टैंड इंस्टेंटली, ठीक है, लेकिन उनमें से फ्यूअर आपको अभी अपने सिलेबस के लिए चाहिए आगे के फ्यूचर चैप्टर्स के लिए। धीरे धीरे जैसे जैसे आप इलेवेंथ को क्रॉस करेंगे, अपने ट्वेल्थ स्टैंडर्ड को क्रॉस करेंगे, आप बहुत सारे टर्म्स के साथ अवेयर हो जाएंगे, बट फिलहाल के लिए आपको कुछ टर्म्स की जानना ज़रूरी है। तो लेट्स स्टार्ट आवर क्लास टुडे। सबसे पहले अकाउंटिंग के एडवांटेजेस क्या हैं। ये जो है ना हमारी जो अकाउंटिंग सब्जेक्ट है, अकाउंटिंग में हम जो भी बनाते हैं, हमने जैसे क्लास वन में देखा था कि हम उसमें आइडेंटिफाई करते हैं, फिर समराइज करते हैं, मेजर अप करते हैं, इन सारी इंफॉर्मेशन की ज़रूरत पड़ती है मैनेजमेंट में ताकि वो इकोनॉमिक डिसीजंस ले सके। सी मैंने आपको बताया था कि हम उसमें इंटरप्रेट करते हैं रिजल्ट्स क्या आए हमारे, अभी रिजल्ट्स के बाद उसमें अगर लॉस जा रहा है तो हमारा मैनेजमेंट ये देखेगा कि वो क्या इम्प्रूवमेंट्स कर सकता है कि जिससे इकोनॉमिकली हम ऊपर जा सके, इकोनॉमिकली राइज हो सके। तो इकोनॉमिक डिसीजंस मेक करने में मैनेजमेंट को यूज़ करता है, या तो अगर प्रॉफिट भी कर रहा है तो शायद हमारी कॉस्ट बहुत ज़्यादा आ रही है। कॉस्ट का मतलब होता है हमारे एक्सपेंसेस बहुत ज़्यादा आ रहे हैं, इन सेंटेंस में कॉस्ट का ये मतलब है, तो उसे कम करने के लिए हमारे इकोनॉमिक डिसीजंस बनाने पड़ेंगे, उनके लिए ज़रूरी है। सेकेंड इज इट हेल्प्स इसके बाद है सेकेंड पार्ट इज इट हेल्प्स ओनर्स टू कंपेयर वन ईयर्स रिजल्ट विद दोज ऑफ अदर्स ईयर्स टू लोकेट द फैक्टर्स विच लीड्स टू चेंजेस। ये ओनर्स को एक साल से दूसरे साल के जो भी हमारे चेंजेस हुए हैं, अगर प्रॉफिट गया है तो, अगर लॉस गया है तो, उनको चेंजेस को स्टडी करने में हेल्प करता है, ठीक है, हमारे जो भी चेंजेस हुए हैं उनको हेल्प करता है जानने के लिए। द थर्ड पार्ट इज कि हमें ये इंफॉर्मेशन देता है कि हमारे बिजनेस की फाइनेंशियल पोजिशन क्या है। सी आपको इन सब में वही मिलेगा जो मैंने आपको फर्स्ट पार्ट में बताया था, विद इन अ प्रोसेस घूमती है अकाउंटिंग का, विद इन अ प्रोसेस अगर आपको लर्न है कि हम आइडेंटिफाई करते हैं, उसके बाद उनको रिकॉर्ड करते हैं, फिर मेजर करते हैं, फिर मेजर करने के बाद समराइज करते हैं, समराइज के बाद हम उनको इंटरप्रिटेशन करते हैं, यही इसी प्रोसेस में इसकी एडवांटेजेस मैं आपको दिखा रही हूँ। फर्स्ट तो उसके रिजल्ट्स जो भी आएंगे उससे इकोनॉमिक डिसीजंस मिलेंगे, सेकेंड उससे चेंजेस में हेल्प मिलेगी कि क्या चेंज हुआ है ये जानने को अच्छा लगेगा, मतलब पता चलेगा जानने के लिए। एंड द थर्ड पार्ट इज इससे हमें फाइनेंशियल पोजीशन भी चलती है अपने बिजनेस की। सपोज कीजिए किसी ने 5 ईयर्स का बिजनेस स्टार्ट किया था, स्टार्टिंग के 2 ईयर्स में उसका बिजनेस लॉस में जा रहा था, सो ही वुड बी वेरी क्यूरियस टू नो ना कि उसकी थर्ड ईयर में पोजीशन क्या है, उसे आगे बिजनेस रन करना चाहिए, कुछ चेंजेस करने चाहिए या नहीं करने चाहिए, और उसकी एसेट्स कैसे जा रही हैं, लाइबिलिटीज़ कितनी हैं, ये हमें उसके फाइनेंशियल पोजीशन के थ्रू पता चलता है। तो ये किससे पता चलता है, अकाउंटिंग से, फाइनेंशियल पोजीशंस पता चलती है अकाउंटिंग से। और इसके बाद कैपिटल लाइबिलिटी, इसके बाद है कि वो हमें सिस्टमेटिक और कंप्लीट रिकॉर्ड रखने में हेल्प करता है बिजनेस ट्रांजैक्शंस की। ऑब्वियसली जब हम उसको रिकॉर्ड कर रहे हैं, हमारे पास रिकॉर्डिंग हो रहा है, रिजल्ट्स लास्ट में आ रहे हैं, तो हमने उनका प्रॉपर रिकॉर्ड रखा होगा तभी हम रिजल्ट्स ड्रॉ कर पाएंगे।
ये हमें हेल्प करता है कंप्लीट रिकॉर्ड रखने में बिजनेस ट्रांजेक्शन की, जो हम एविडेंस के थ्रू प्रूव कर सकते हैं। अगर कोई हमको शो करता है, देखिए हम कितनी तरह से हमारी अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन को यूज़ करते थे, हमने लास्ट टाइम भी बताया था सेकेंड क्लास में कि कितनी तरीके से यूज़ होती है। अगर आप एक शॉपकीपर हैं, सपोज कीजिए मैंने आपको शॉपकीपर का एग्जाम्पल दिया था कि अगर आप एक शॉपकीपर हैं तो आपको अपने पास रखना पड़ेगा सारा कुछ कि आपको पता चले कि आप किस पोजीशन में जा रहे हैं। एंड सेकेंडली अगर आपने लोन लिया हुआ है तो बैंक को चाहिए उसके लिए। इसी तरह से मैंने यहाँ पर एग्जांपल दिया हुआ है कि ये कोर्ट में एज अ एविडेंस एक्सेप्ट किया जाता है, इसके लिए इसकी ज़रूरत होती है। नेक्स्ट नेक्स्ट स्टेज, इससे हमें हेल्प होती है असेसमेंट करने में करेक्ट टैक्स की। हमारा जो टैक्स होता है जो हम पे करते हैं ये हमारी लाइबिलिटीज में आता है, मतलब जो हमारे पेबल्स हैं उसमें आता है। अगर हमने सही रिकॉर्ड मेंटेन किया है, अगर हमने सही इंटरप्रिटेशन किए हैं, रिजल्ट सही लाए हैं, तो इससे हमें करेक्ट टैक्स को फाइंड आउट करने में कि हमारा टैक्स क्या होगा उसमें हेल्प होती है। कितने तरह के हमें टैक्स पे करने होते हैं, लाइक इनकम टैक्स, सेल्स टैक्स, वैट, एक्साइज ड्यूटी एक्सेट्रा, ये सब कुछ, ठीक है। उसके बाद जो लास्ट एडवांटेज है वो ये है कि इससे हमें प्रॉपरली मेंटेन करने में हेल्प होती है बिजनेस की एंटिटी को, प्रॉपरली परचेज प्राइस लाने में। आपने एक वर्ड है जो आपने अभी तक सुना नहीं होगा, दैट इज गुडविल। गुडविल का मतलब होता है कि हमारी कंपनी को हमने जहाँ से खड़ा किया वहाँ तक और ऊपर तक लेकर गए तो उसकी एक इमेज बन गई, एक वैल्यू बन गई जिस पर हम उसको सेल ऑफ कर सकते हैं, उसको बोलते हैं गुडविल। गुडविल एक ब्रांड की तरह से यूज होता है, ठीक है। अभी सबसे बड़ा गुडविल क्या है, जैसे कि गुडविल में बहुत सारी चीज़ें आती हैं। गुडविल अभी कैसे एग्जाम्पल दूँ आपको, सपोज कीजिए कि एक एस्टैब्लिश्ड ब्रांड है, एस्टैब्लिश्ड होटल है, उसका नाम है, तो वो अपना होटल सेल ऑफ करना चाहता है और उसका होटल अच्छा प्रॉफिट करता है। उसको सेल ऑफ करने के बाद सेल ऑफ करना चाहता है और नेक्स्ट कोई बंदा आता है उससे सेल ऑफ के लिए मांगता है, वो उसकी गुडविल मांगता है कि आपके नाम के अंडर में ही हम ये होटल चलाएंगे, बस अब मैं इसका ओनर हूँ, आप इसके ओनर नहीं है, उसको पैसे दे देता है। होटल का नाम सेम रहा, क्योंकि अगर उसका होटल का नाम चेंज करेंगे तो जो उसके कस्टमर थे उस होटल के नाम की वजह से वहाँ आ रहे थे वो अब नहीं आएंगे। दैट इज कॉल्ड गुडविल। जब हम एक नेम परचेज करते हैं हमारे बिजनेस की वैल्यू उसको बोलते हैं। तो जो सिर्फ आपका एडवांटेज है प्रॉपरली मेंटेन अकाउंट्स हेल्प अ बिजनेस एंटिटी इन डिटरमाइनिंग इट्स प्रॉपर परचेज प्राइस, वो यही बताता है कि अगर मेंटेन अकाउंट्स होंगे आपके अच्छे से तो आपकी प्रॉपर परचेज प्राइस क्या है इससे आपका पता चलेगा। नेक्स्ट हम करने वाले हैं लिमिटेशन। लिमिटेशंस होते हैं डिसएडवांटेजेस, डिसएडवांटेजेस बोल दीजिए या फिर ऐसा मान लीजिए कि अकाउंटिंग्स में कुछ इसकी खामियां हैं, कुछ प्रॉब्लम्स हैं या कुछ कमियां हैं जो पूरी नहीं होती हैं अकाउंटिंग में, वो क्या है अब हमें वो देखना है। तो फर्स्ट है कि ये हिस्टोरिकल एडिशन है, इससे हमें करंट वर्थ नहीं पता चलता बिजनेस का। एग्जैक्टली सही बात है कि ये हिस्टोरिकल नेचर में हम इसमें बहुत लंबी प्रोसेस के थ्रू जाते हैं कि पहले आइडेंटिफाई करते हैं, फिर मेजर करते हैं, फिर रिकॉर्ड करते हैं, फिर समराइज करते हैं, और इसे हम करेंट वर्थ नहीं पहचान सकते। हमें या तो ये पास्ट की अकाउंटिंग करती है या फ्यूचर के लिए फोरकास्ट करती है, अभी करेंट में क्या है वो नहीं बताती है ये। कोई भी बैलेंस शीट है वो ये कि एंड में बनती है, ठीक है। तो पूरा ईयर उसकी कंपनी में क्या चेंजेस हुए वो बताती है वो बैलेंस शीट ऑन द स्पॉट, ऑन द इन द सेम मंथ उसमें क्या हो रहा है वो नहीं बताती अलग से। बट स्टिल अभी इन लिमिटेशंस को ओवरकम किया जा चुका है, अभी हम कंप्यूटर पे अकाउंटिंग करते हैं जिसमें हम वन मंथ की भी अकाउंटिंग अपने आप निकाल सकते हैं। नेक्स्ट लिमिटेशन है, इट कंटेन्स ओनली इंफॉर्मेशन विच कैन बी एक्सप्रेस इन टर्म्स ऑफ मनी। ये सिर्फ उन्हीं इन्फॉर्मेशन को एक्सप्रेस करती है जो हम मनी के टर्म्स में मेजर कर सकते हैं। सिंपली देखिए मैंने आपको फर्स्ट क्लास में बताया था कि अगर आपकी कंपनी में कोई स्ट्राइक है, या अभी करंट एग्जांपल ले लीजिए लॉकडाउन चल रहा है और लॉकडाउन की वजह से काफ़ी सारा जो है लॉस हो रहा है कंपनीज को, फैक्ट्रीज को, बट वो उसको शो नहीं कर सकते ड्यू टू लॉकडाउन पीरियड प्रोडक्शन नहीं हुआ, ड्यू टू लॉकडाउन पीरियड सेल्स नहीं हुए, नहीं, वो सिर्फ मनीटरी टर्म्स में रिकॉर्ड कर सकते हैं, मॉनिटरी टर्म्स में रिकॉर्ड कर सकते हैं कि सेल्स 35 रुपीज पर प्रोडक्ट हो रही थी, अभी वो 15 रुपीज पर प्रोडक्ट हो रही है। रीजंस में वो ये नहीं ले सकते कि लॉकडाउन हुआ था इस वजह से, ठीक है। तो ये मॉनेटरी टर्म्स को ही रिकॉर्ड करती है, ये क्वालिटी ऑफ स्टाफ को रिकॉर्ड नहीं करती, कस्टमर सेटिस्फाइड है कि नहीं है ये रिकॉर्ड नहीं करती। द थर्ड इज इट मे बी अफेक्टेड बाय विंडो ड्रेसिंग मैनिपुलेटिंग इन अकाउंट्स टू प्रेजेंट अ मोर फेवरेबल पोजिशन ऑफ अ बिजनेस फॉर्म देन इट्स एक्चुअल पोजिशन। सी
कई बार होता है, आप लोग अच्छे से जानते भी होंगे राइट, कि हमने, आप शायद घर में भी करते होंगे, कई बार आपको आपके पेरेंट्स ने पैसे दिए कि चलो ठीक है आप अपने लिए एक पेन खरीद लीजिए, वो पेन 12 रुपीज़ का था, आपने 20 रुपीज़ लिए थे अपने पेरेंट्स से, वो 12 रुपीज़ का पेन था, आपने घर आकर 5 रुपीज़ रिटर्न दिए और उनको बोला 15 रुपीज़ का पेन था, तो आपने 3 रुपीज़ अपनी जेब में डाल लिए। दैट्स व्हाट हैपन इन अकाउंटिंग ऑल्सो, कि हम कभी अपनी कंपनी की फेवरेबल पोजिशन दिखाने के लिए ना उसमें मैनिपुलेट करते हैं, इसको बोलते हैं विंडो ड्रेसिंग करना, ठीक है, कि हम उसमें मैनिपुलेशन कर रहे हैं। कई बार क्या होता है, मैं आपको एक इंटरनल एग्जाम देती हूँ, एग्जाम्पल्स देती हूँ अकाउंटिंग का, जिसमें है कि कई बार जो ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं, कंपनीज होती हैं, वो अपना प्रॉफिट कम दिखाने के लिए अपने एक्सपेंसेस बढ़ा देती हैं, अपने एक्सपेंसेस रिकॉर्ड में काफ़ी सारे एक्सपेंसेस डाल देती हैं, जिससे उन्होंने अपने एम्प्लॉई को कुछ अलग से बेनिफिट्स दिए ये सब कुछ दिखाकर। बट ऐसा नहीं है कि वो पकड़ा नहीं जाता, ये अकाउंटिंग के लिमिटेशंस हम पढ़ रहे हैं अभी, इस वजह से मैं आपको ये बता रही हूँ। बट जो इफेक्ट यहाँ पे होता है ना, वो जाके फिर टैक्स की अकाउंटिंग में, टैक्स में पकड़ा जाता है। सो देर इज अ बोथ वे ना, कि कहीं पर चोरी होगी तो दूसरी तरफ से चोर पकड़ा जाएगा, बट यहाँ पर सिंपल मीनिंग ये है कि विंडो ड्रेसिंग का, कि आपके मैनिपुलेशन होते हैं अकाउंट्स में, ठीक है, ये लिमिटेशन है अकाउंटिंग का। नेक्स्ट इज, ये फ्री नहीं है पर्सनल ब्याज पे, इसमें पीपल का पर्सनल जजमेंट होता है, जैसे कि बहुत सारे लोगों के बहुत सारे ओपिनियंस होते हैं लाइफ ऑफ असेट्स को लेके, कैलकुलेट करने के लिए डिप्रिसिएशन को या प्रोविजंस ऑफ डाउटफुल डेट्स को। देखिए अभी थर्ड एग्जांपल में मैंने आपको बताया था कि मैनिपुलेशन होता है, उसका एक सबसे बड़ा एग्जांपल है और इस फोर्थ से कनेक्टेड ही भी है, फोर्थ डिसएडवांटेज से आपके, कि हमारे डाउटफुल डेट्स होते हैं। डाउटफुल डेट्स का मतलब बेटा होता है कि हमने कुछ सेल्स की, अब हमने 100% सेल्स में से 10% सेल्स इसलिए डाल दिया कि वो डाउटफुल है, वो कभी पे ऑफ होगा या नहीं होगा, हो सकता है फ्यूचर में हो, 10 साल बाद हो, 15 साल बाद हो, उसको बोलते हैं डाउटफुल डेट्स, यानी कि उनका पैसा आएगा बट शायद फ्यूचर में आएगा, वो भी शायद में होता है, ठीक है। तो हम अपने हिसाब से प्रोविजंस बनाते हैं, जैसे मैंने भी बोला 10% हमने डाल दिया, क्या पता 5% अगले मंथ में ही आ जाए और 5% फ्यूचर में आए, लेकिन मैंने तो 10% का बनाकर डाल दिया ना प्रोविजन। तो इसी तरह से ये पर्सनल ब्याज से फ्री नहीं है, इसमें पर्सनल जजमेंट होता है। नेक्स्ट इज, ये बेस्ड होता है वेरियस कॉन्सेप्ट और कॉन्वेंशंस में, जो नेक्स्ट चैप्टर में आपको पढ़ाऊंगी उसमें थ्योरीज हैं, कॉन्सेप्ट्स हैं और कॉन्वेंशंस हैं, ठीक है। इन, ये जो हमारी अकाउंटिंग है ये इन सब पे बेस्ड होती है, जैसे कि एसेट्स जो है बैलेंस शीट में उनकी कॉस्ट पर नहीं दिखाई, उनकी कॉस्ट पर दिखाई देते हैं, ना कि उनकी मार्केट वैल्यू पे। अच्छा सपोज कीजिए कि आपने एक फर्नीचर लिया है, उसकी कॉस्ट है 20,000 रुपीज़, ठीक है, तो आप उसको क्या लिखेंगे अपने उसमें, अगर आप अपने रिकॉर्ड्स में लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, फर्नीचर है 20,000 रुपीज़, राइट, लेकिन उसकी मार्केट वैल्यू क्या है, आपने कभी उसकी मार्केट वैल्यू के बारे में सोचा, आपने सोचो उसको 6 मंथ के लिए यूज़ कर लिया है, अभी बैलेंस शीट एंड ऑफ द ईयर पे बनती है, लेकिन हमने उसमें अपना फर्नीचर कॉस्ट पे दिखाया हुआ है जिसपे हमने उसको खरीदा था, लेकिन एट द एंड ऑफ द ईयर उसकी मार्केट वैल्यू कुछ और होती है। सेम एज आपके फर्नीचर की वैल्यू कुछ और होगी जो आपने नहीं देखी और वो रियलाइज भी नहीं की, वो उस सेल पर 20,000 में रियलाइज नहीं होगा, 20,000 में नहीं बिकेगा, तो हम वो मार्केट वैल्यू नहीं रिकॉर्ड करते जो उसकी लास्ट में होती है, बल्कि जो उसकी मेन कॉस्ट है हम उस पे रिकॉर्ड करते हैं। सबसे पहले लैंड दिया हुआ है, फिर बिल्डिंग दिया हुआ है, और फिर मशीनरी दिया हुआ है और एक्सेट्रा। सी अभी जो है इसमें भी क्या कहते हैं, नॉन करेंट एसेट्स में भी दो टाइप के एसेट्स होते हैं, सबसे पहले होता है टेंजिबल एसेट्स और दूसरा होता है इनटेंजिबल एसेट्स, ठीक है। अभी आप सिंपल वे में ये समझिए कि जिसको आप छू सकते हो एसेट्स को, जिन एसेट्स को आप टच कर सकते हो, जिन एसेट्स को आप देख सकते हो, उनको हम टेंजिबल एसेट्स बोलते हैं, ठीक है। अभी अकाउंटेंसी में इसका मीनिंग है, टेंजिबल एसेट्स आर दोज विच हैव फिजिकल एग्जिस्टेंस, यानी कि फर्नीचर, मशीनरी, ओके, लैपटॉप, कंप्यूटर और सोफा, चेयर्स, टेबल्स एक्सेट्रा, ठीक है। इनटेंजिबल एसेट्स वो होते हैं जो हमें दिखाई नहीं देते लेकिन हमारे काम में आते हैं, हमारे एसेट्स हैं, ठीक है। तो ये हैं गुडविल, पेटेंट, लैंड, ट्रेडमार्क एक्सेट्रा। उसके बाद हमारा नेक्स्ट टॉपिक है लाइबिलिटीज। लाइबिलिटीज क्या होती है, मैंने आपको कई बार स्टार्टिंग से बताया कि लाइबिलिटीज को पे ऑफ कर सकते हैं, लाइबिलिटीज को पे ऑफ कर सकते हैं। एक्चुअली में लाइबिलिटीज क्या होती है, हिंदी में बोल दो लाइबिलिटीज हमारी कुछ ऐसी रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती हैं, वो जिम्मेदारियां होती हैं जो हमको उठानी है, या हम पर वो डेट्स हैं, वो उधार हैं, जो लाइफ लॉन्ग टाइम के उधार हैं जो हमको पूरे करने पड़ेंगे एट सम टाइम, ठीक है, फ्यूचर में किसी टाइम पे हमें पूरे करने पड़ेंगे। इसका सिंपल सा एग्जांपल है कि आपने बिजनेस स्टार्ट करने के लिए किसी से 20 लाख का लोन लिया,
तो वो लोन आपकी सबसे बड़ी लायबिलिटी है, हर साल उसका इंटरेस्ट जाएगा, वो आपके लायबिलिटीज में आएगा इंटरेस्ट ऑन लोन। हम उसको पीएनएल से निकाल, पहले पीएनएल में उसको कैलकुलेट करेंगे और बाद में वहाँ पे ऐड करेंगे। एक ईएमआई जाएगा आपका उसका लोन का, दैट इज कॉल्ड, वो लायबिलिटी में आएगा। तो इस तरह से लायबिलिटीज होती हैं जिनको कुछ समय के बाद एक डेफिनेट टाइम पे हमें पे ऑफ करना ही पड़ेगा। ठीक है, तो अभी अकाउंटेंसी के टर्म्स में पढ़ लेते हैं। लायबिलिटीज आर ऑब्लिगेशंस और डेट्स दैट कैन बी दैट एन एंटरप्राइज हैज टू पे आफ्टर सम टाइम इन द फ्यूचर। लायबिलिटीज कौन कौन सी होती हैं, ये भी जैसे करंट एसेट नॉन करंट एसेट्स होते हैं, ऐसे ही करंट लायबिलिटीज एंड नॉन करंट लायबिलिटीज होती है। ठीक है, करंट लायबिलिटीज वो ऑब्लिगेशंस हैं जो हमें विद इन वन ईयर पूरी करनी है, एक साल के अंदर अंदर हमें पे करना ही होता है उनको। सबसे पहले उनमें आता है क्रेडिटर्स, उसके बाद आता है उनमें बिल पेबल्स, बिल पेबल और क्रेडिटर्स। ठीक है, इनका मीनिंग मैं आगे आपको बताने वाली हूँ, फिलहाल आप इतना ही जान लीजिए कि विद इन वन ईयर हमें पे करना है उनको करंट लायबिलिटीज बोलते हैं। नॉन करेंट लाइबिलिटीज वो लाइबिलिटीज होती हैं जो हमें लंबे टाइम तक, जो लंबे टाइम तक रहने वाली हैं, जो हम एक साल के बाद, दो साल के बाद, तीन साल के बाद कभी भी पूरी कर सकते हैं। देज आर बैंक लोन और डिबेंचर्स। डिबेंचर्स भी आपको आगे पढ़ने आएगा, अभी से बताकर आई डोंट वॉन्ट टू ओवरलैप यू। ठीक है, नेक्स्ट इज रिसिप्ट। रिसिप्ट क्या होती है, रिसिप्ट वो होती हैं जो हमें रिसीव हुई है, जो हमें मिलने वाली हैं। अभी छोटा सा एग्जांपल है कि सैलरी को रिसिप्ट बोलते हैं हम, सैलरी हमारी रिसिप्ट है। यहाँ पर रिसिप्ट का मतलब आपको बिल नहीं है, आप कभी रसीद को सोचने की रसीद हमारी रिसिप्ट है, ऐसा नहीं है। अकाउंटेंसी में रिसिप्ट का मतलब ही डिफरेंट है, रिसिप्ट का मतलब वो है जो हमें रिटर्न में मिलने वाला है। ठीक है, लाइक हम कोई सेल्स करते हैं, होलसेल का काम है हमारा, हम सेल कर रहे हैं, उसके अगेंस्ट में हमें जो मनी आई वो हमारी रिसिप्ट है। ठीक है, अभी इसे देख लेते हैं। एक रिटर्न एक्नॉलेजमेंट होता है कि हम कुछ रिसीव करेंगे। ठीक है, एक रिटर्न एक्नॉलेजमेंट को हम रिसिप्ट बोलते हैं। ठीक है, कि ये चीज़ हमारी पोजीशन में है, कोई अमाउंट ऑफ मनी, कोई गुड, इनको बोलते हैं। जो रिसिप्ट है वो अमाउंट है और क्वांटिटी है रिसीव्ड होने वाली, नेट ऑफ रिसीविंग और द स्टेट ऑफ बीइंग रिसिप्ट। रिसिप्ट के में क्लासीफाइड दो तरह की रिसिप्ट होती हैं। रिसिप्ट जो है एक एक्नॉलेजमेंट होता है रिटर्न का, एक पेपर मनी बोलते हैं उसमें, एक पेपर होता है जिस पर ये रिटर्न होता है कि इतने ये अमाउंट या तो फिर ये गुड्स हमें रिसीव होंगे विद इन दिस पीरियड, दीज आर कॉल्ड रिसिप्ट। ठीक है, रिवेन्यू रिसिप्ट आता है इसमें और एक कैपिटल रिसिप्ट आता है। सबसे पहले रिवेन्यू रिसिप्ट। रिवेन्यू रिसिप्ट वो रिसिप्ट होते हैं जो नॉर्मली होते हैं, यानी कि हमारा जो बिजनेस का काम है, जो रोजाना बिजनेस का काम है, लाइक सेल ऑफ बिजनेस प्रोडक्ट है, कोई कंपनी है वो शूज़ बेचती है तो उसको शूज़ सेल करने से जो रिसिप्ट आएंगी वो रिवेन्यू रिसिप्ट होंगी। ठीक है, अगर वही सेम कंपनी अपनी कंपनी का मशीनरी बेचते है या वहाँ पर लगाया हुआ रेफ्रिजरेटर बेच देती है जो वो उनका नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस नहीं है तो उसको कैपिटल रिसिप्ट बोलते हैं। सी, आप देख सकते हो कैपिटल रिसिप्ट आर दोज रिसिप्ट विच आर अकर्ड बाय अदर देन बिजनेस ऑपरेशंस लाइक मनी रिसीव बाय सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट। नेक्स्ट इज एक्सपेंसेस। क्या होते हैं एक्सपेंसेस, क्या होते हैं? अभी एक्सपेंसेस वो होते हैं जो हम काम करने के लिए, कोई भी अगर कोई भी काम स्टार्ट किया है या कंप्लीट किया है उसके लिए हमने जो कॉस्ट दी है उसको हम एक्सपेंसेस बोलते हैं। ठीक है, जैसे कि हमने रेंट दिया है हमारी फर्म का, हमारी कंपनी जहाँ पर सेटअप की हुई है उस बिल्डिंग का रेंट दिया है, हमने अपने वर्कर्स को वेजेस दिए हैं, अपने एम्प्लॉयज़ को सैलरीज दी हैं, और जो हमारा लोन आया था या जो भी हमने पैसा उठाया था उसका इंटरेस्ट दिया है, ये सारे एक्सपेंसेस हैं। ठीक है, तो कॉस्ट इनकर्ड बाय अ बिजनेस फॉर अर्निंग रेवेन्यू आर नोन एज एक्सपेंसेस। आफ्टर दैट एक्सपेंडिचर क्या होता है, एक्सपेंडिचर होता है एक ऐसी लायबिलिटी जो बार बार हो सकती है, इनकरिंग लायबिलिटी जो हो सकती है एसेट्स एक्वायर करने में, कोई गुड्स के लिए, कोई सर्विस के लिए, उसको हम बोलते हैं एक्सपेंडिचर। एक्सपेंडिचर भी तीन तरह का एक्सपेंडिचर होता है, सबसे पहले रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, दूसरा होता है डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर और थर्ड होता है कैपिटल एक्सपेंडिचर। ठीक है, इस पार्ट में अभी दो ही हैं तो मैं आपको दो बता देती हूँ। फर्स्टली, सबसे पहले रेवेन्यू एक्सपेंडिचर क्या होता है, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर वो अमाउंट होता है जो हमने गुड्स खरीदने में या सर्विस खरीदने में, जो भी हमारा बिजनेस है उसके लिए यूज़ किया है उसको बोलते हैं रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, जैसे रेंट और इंटरेस्ट। ओके, डिफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर वो एक्सपेंडिचर जो रेवेन्यू का है नेचर में,
लेकिन जो उसका बेनिफिट है वो कुछ साल के बाद में मिलेगा। जैसे हमारा कोई भी एक्सपेंडिचर है, हमने कोई भी एक्सपेंस किया, उसके बदले में हमें रिसिप्ट आने वाले हैं, हमारा रेवेन्यू आने वाला है। ये मान लीजिए कि हमने कोई सेल किया और उसके बदले में हमारा पैसा आने वाला है, लेकिन उस सेल में हमें बहुत ज़्यादा, उस काम को करने में हमें बहुत ज़्यादा एक्सपेंसेस लग गए, जिसका जिसका हमें प्रॉफिट आने वाला है, उस चीज़ को करने के लिए हमारे बहुत सारे एक्सपेंसेस लग गए और उसका प्रॉफिट हमें ईयर बाय ईयर मिलेगा, मतलब इसी साल तो नहीं मिलेगा। उसको बोलते हैं डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। इसका एग्जांपल है ह्यूज एडवर्टीजमेंट एक्सपेंडिचर, यानी कि अगर मैंने कोई कंपनी लगाई है तो मैंने उसका एडवर्टीजमेंट किया है काफ़ी सारा। अभी आपने देखा होगा कजारिया का एडवर्टीजमेंट होता है और उसका एडवर्टीजमेंट अक्षय कुमार करता है, तो कजारिया ने उसमें बहुत सारे अमाउंट लगाया होगा और धीरे 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 उसको उसका प्रॉफिट मिलेगा। ठीक है, नेक्स्ट इज कैपिटल एक्सपेंडिचर। कैपिटल एक्सपेंडिचर क्या होता है? एक तो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर हुआ जो नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस में होता है, फिर डिफरेंट रेवेन्यू एक्सपेंडिचर हुआ जिसको हमने अपने रेवेन्यूज को बढ़ाने के लिए एक कोई एक्सपेंस किया है जो हमें फ्यूचर तक पूरा करना पड़ेगा, जिसका प्रॉफिट हमें फ्यूचर में आने वाला है। उसके बाद होता है कैपिटल एक्सपेंडिचर। ये एक्सपेंडिचर वो होता है जिसका जो 8 साल से ज्यादा के बाद रिसीव होता है। ठीक है, 8 साल से ज़्यादा के बाद रिसीव होता है और इसका बेनिफिट भी 1 साल के बाद होता है। ठीक है, लाइक मशीनरी खरीदी है आपने, तो मशीनरी को आपका 1 साल के बाद, सॉरी, अगर किसी एक्सपेंडिचर का जो बेनिफिट है आप 1 साल से ज़्यादा उठा पाते हैं तो उसको बोलते हैं कैपिटल एक्सपेंडिचर। जैसे कि मशीनरी खरीदे, सी मैंने यहाँ पर आपको एक डायग्राम भी दिया है, एक पिक्चर दिया है छोटा सा, कि हम जो है अपने ऑफिस के लिए फर्नीचर खरीद रहे हैं। ठीक है, तो ये भी कैपिटल एक्सपेंडिचर है क्योंकि वो ऑफिस में जब तक हम रहने वाले हैं तब तक वो यूज़ होने वाला है। ठीक है, तो फॉर मोर देन 1 ईयर हम उसको यूज़ करने वाले हैं, उसको बोलते हैं कैपिटल एक्सपेंडिचर। नेक्स्ट इज बिजनेस ट्रांजेक्शन। बिजनेस ट्रांजेक्शन क्या होती है? कोई भी ऐसी इकोनॉमिक एक्टिविटी जिससे हमारे बिजनेस की फाइनेंशियल पोजिशन जो है अफेक्ट होती है और हम उसको टर्म्स ऑफ मनी में मेजर कर सकते हैं, उसको बोलते हैं इकोनॉमिक एक्टिविटी, उसको बोलते हैं बिजनेस ट्रांजेक्शन। इकोनॉमिक एक्टिविटी क्या होती है? इकोनॉमिक एक्टिविटी वो होती है जिससे हमारी इकोनॉमिक कंडीशंस को अफेक्ट होता है, यानी कि हमें लॉस हो रहा है या प्रॉफिट हो रहा है, ये हमारी फाइनेंशियल पोजिशंस को हिला रहा है, उसको बोलते हैं इकोनॉमिक एक्टिविटी। उसके बाद ऐसी इकोनॉमिक एक्टिविटीज जिनको हम इन टर्म्स ऑफ मनी में मेजर कर सकते हैं और जो हमारे बिजनेस के फाइनेंशियल पोजीशन को अफेक्ट करती है, उनको बोलते हैं बिजनेस ट्रांजैक्शन। ठीक है, जैसे कि एक्सपेंसेस, हमारी एक्सपेंसेस जो है एक ऐसी इकोनॉमिक एक्टिविटी है। इकोनॉमिक एक्टिविटी मैं इसको इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि इससे हमारी इकोनॉमी अफेक्ट होती है। इकोनॉमी जानते हैं ना आप क्या होती है? अभी हम बोल रहे हैं ना कि हमारी इकोनॉमी डाउन हो गई है, इकोनॉमी उठेगी। इकोनॉमी क्या है? कोई बंदा नहीं है जो बैठा है और उठ जाएगा, नहीं। इकोनॉमी फाइनेंशियल कंडीशंस होती हैं। ठीक है, सिंपल लैंग्वेज में इकोनॉमी फाइनेंशियल कंडीशंस होती हैं। तो एक्सपेंसेस हमारा ऐसा ही फाइनेंशियल कंडीशन है जो हमें एक्सपेंसेस करना ही पड़ेगा। तो ऐसी कोई भी इकोनॉमिक एक्टिविटी जो हमारे बिजनेस को इफेक्ट करती है और हम मनी टर्म्स में रिकॉर्ड कर सकते हैं, उसको बोलते हैं बिजनेस ट्रांजेक्शन। आफ्टर दैट माई फेवरेट वन इज अकाउंट। अकाउंट क्या होता है? अकाउंट मैंने आपको बताया था कि अकाउंटिंग क्या होती है। अकाउंटिंग जिस चीज़ में की जाती है, अकाउंटिंग जिस कॉलम में किया जाता है, उसको अकाउंट बोलते हैं सिंपल लैंग्वेज में। अभी आप अकाउंट्स में देख लीजिए क्या बोलते हैं। अकाउंट रिफर टू अ समराइज्ड रिकॉर्ड ऑफ रिलेवेंट ट्रांजैक्शन ऑफ पर्टिकुलर हेड एट वन प्लेस ऑल अकाउंट्स आर डिवाइडेड इनटू टू साइड्स, लेफ्ट साइड एंड राइट साइड। ठीक है, अकाउंट रिफर करता है समराइज्ड रिकॉर्ड को कोई भी ट्रांजैक्शन की सिर्फ एक ही प्लेस पर। एक अकाउंट के 2 पार्ट होते हैं, लेफ्ट साइड वाले को डेबिट साइड बोलते हैं और राइट साइड वाले को क्रेडिट साइड बोलते हैं। ये जब हम लोग प्रैक्टिकल करना शुरू करेंगे तो सबसे पहले आपको अकाउंट से बना के दिखाया जाएगा कि अकाउंट कैसा होता है। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट है कैपिटल। जो भी अमाउंट इन्वेस्ट किया है, मैंने आपको स्टार्टिंग में बोला था ना, जब मैं आपको सच बता रही थी कि जब हम बिजनेस स्टार्ट करते हैं हम कुछ पैसे लेकर आते हैं, लगाते हैं उसमें, उस पैसे को हम क्या बोलते हैं वो मैं बाद में बताऊंगी, उस पैसे को कैपिटल बोलते हैं। ठीक है, हम जो अपने हम जो भी एसेट्स खरीदते हैं या जो भी अपना मनी इन्वेस्ट करके अपने बिजनेस को खड़ा करते हैं उसको एसेट बोलते हैं, और जो मनी हमने ब्रॉट इन किया था उसको कैपिटल बोलते हैं। अमाउंट इन्वेस्टेड बाय ओनर इन अ फर्म इज नोन एज कैपिटल। इट मे बी ब्रॉट इन द फॉर्म ऑफ कैश और एसेट्स बाय द ओनर। या तो ये कैश की फॉर्म में हो सकता है, एसेट फॉर्म में हो सकता है। नेक्स्ट इज ड्रॉइंग्स। क्या होता है
सी ड्राइंग्स का मतलब आप लोगों के लिए शायद आर्ट वाला ड्राइंग होगा, बट सिंपली ड्राइंग्स का मतलब होता है कि हमने कुछ अपने कुछ भी अपने घर से लगाया था, लाइक हमने पैसे लगाए थे, हमने मनी लगाई थी या हमने गुड्स लगाए थे और बाद में हमने वो पर्सनल यूज के लिए निकाल लिए। लाइक किसी का बिजनेस अकाउंट है, उसकी कंपनी के नाम से है और उसने अपने घर पर एसी लगाने के लिए उसमें से पैसे निकाल लिए, या तो फिर अपने बिजनेस के लिए उसने एसी खरीदा लेकिन एसी यूज नहीं किया और अपने घर पर लगा लिया, ठीक है, या तो फिर अपने बच्चों की फीस उसने पे कर दी अपने कंपनी अकाउंट से, उसको बोलेंगे ड्राइंग्स, या तो फिर उसने इन कैश में पैसे ले लिए निकाल लिए, उसको बोलेंगे ड्राइंग्स, ठीक है। प्रॉफिट, प्रॉफिट क्या होता है? जब भी हमारा रेवेन्यू, मैंने आपको रेवेन्यू का मतलब बता दिया है, एक्सपेंसेस का मतलब बता दिया है, तो इन अकाउंटिंग लैंग्वेज जब भी हमारा रेवेन्यू एक्सपेंसेस से ज़्यादा होता है तो वो जितने से ज़्यादा होता है उसको प्रॉफिट बोलते हैं, यानी कि एक्सपेंसेस निकालने के बाद रेवेन्यू में से जो भी बचता है वो प्रॉफिट होता है। अभी सिंपल लैंग्वेज में हम जो सेल्स करते हैं उसमें से हम वो कॉस्ट निकाल देते हैं, एक्सपेंसेस निकाल देते हैं जो हमने उन चीज़ों के लिए निकाली। लाइक अभी हमने 10 रुपीज़ का एक नोटबुक खरीदा, ठीक है, नोटबुक में हमने कवर किया उसको, कवर करने के बाद एक अच्छा सा स्लिप लगा दिया, फिर प्लास्टिक कवर किया और हम ये उसको सर्विस देकर बेचने लगे, ठीक है। अभी हमने उस 10 रुपीज़ की नोटबुक में 5 रुपीज़ का कवर लगाया, 1 रुपी का स्लिप लगाया, कितने हो गए, 16 रुपीज़ हो गए ना, फिर 2 रुपीज़ का प्लास्टिक कवर लगाया, दैट इज कॉल्ड 18 रुपीज़ हो गए, और हमने उसको 25 में बेच दिया नोटबुक को, तो हमारे पास 25 रुपीज़ का रिवेन्यू हुआ और 18 रुपीज़ का एक्सपेंस हुआ, तो जो 7 रुपीज़ बचे वो प्रॉफिट हुआ। अभी गेन क्या होता है? गेन और प्रॉफिट बेटा हम लोग कई बार कंफ्यूज कर जाते हैं फॉर द सेम मीनिंग, बट इनके दो डिफरेंट मीनिंग्स होते हैं, ये डिफरेंट होता है, अलग होता है। प्रॉफिट होता है जो हम रिकरिंग करते हैं, मतलब कंटिन्यूस रहता है प्रॉफिट, सेल करना अपने शॉप की, एक शॉपकीपर का सेल करना अपने प्रोडक्ट को और उसके बाद जो उसके पास आएगा वो प्रॉफिट होगा। जो गेन होता है वो नॉन रिकरिंग प्रॉफिट होता है, नॉन रिकरिंग मतलब लाइफ में उसने एक बार ही ऐसा कोई काम किया और उसकी वजह से आया, उसको बोलते हैं, ठीक है, वो जो आया उसको गेन बोलेंगे। लाइक फिट्स रेसेट सेल करने पे उसके पास आ गया जो पैसे आएंगे उसको हम गेन बोलेंगे। लॉस क्या होता है? अभी लॉस होता है वो लॉस जो है हमारा, जब भी जैसे प्रॉफिट होता है, प्रॉफिट का एकदम ऑपोजिट ही लॉस होता है। प्रॉफिट कब होता है? जब हमारा रेवेन्यू एक्सपेंसेस से बहुत ज़्यादा होता है और उस डिफरेंस को हम लॉस बोलते हैं, लेकिन वो प्रॉफिट बोलते हैं, लेकिन लॉस के केस में जब हमारे एक्सपेंसेस ज़्यादा होते हैं रेवेन्यू से उसको हम लॉस बोलते हैं। यानी कि वो नोटबुक वाला जो मैंने आपको बताया था 18 रुपीज़ का नोटबुक बना था हमारा, अगर वो 15 रुपीज़ में बिकता है तो जो 3 रुपीज़ का हमें हुआ वो लॉस हुआ, ठीक है, नुकसान बोलते हैं जिसको। नेक्स्ट इज गुड्स। गुड्स क्या होती हैं? वो प्रोडक्ट जो बिजनेस बना रहा है, जैसे मैंने आपको एक शू कंपनी का एग्जांपल दिया था कि वो शूज़ बेचेगा तो उसको जो पैसे मिलेंगे उसको प्रॉफिट बोलेंगे, ठीक है, सबसे पहली बात तो वो जो शूज़ है उस कंपनी के लिए उसका गुड्स है, ठीक है, ओके। द प्रोडक्ट इन विच द बिजनेस डील्स इन, जो वो आइटम जो परचेज किए गए हैं या तो रीसेल के पर्पज पे या तो फिर बिजनेस में यूज होंगे आगे जाके ऑपरेट करके फिर बेचने के लिए, उनको बोलते हैं गुड्स। आफ्टर देन परचेजेस क्या होती हैं? परचेज हम वो गुड्स करते हैं जो बिजनेस में रीसेल के लिए यूज होंगी। मोस्ट ऑफ द ट्रेडिंग कंसर्न में ऐसा होता है कि फाइनल गुड्स को नहीं परचेज करते, हम मैन्युफैक्चर करते हैं, ठीक है। परचेजेस दो तरह के होती हैं, कैश परचेज और क्रेडिट परचेज। उसके बाद परचेज रिटर्न क्या होता है? परचेज रिटर्न होता है कि जब हमने परचेज की थी उनमें से कुछ डिफेक्टिव आ गई या हमारे लिए ज़्यादा आ गई, जो हमारे हमने कॉन्ट्रैक्ट दिया था उससे ज़्यादा आ गई, तो हम उनको वापस कर देते हैं सप्लायर्स को, उसको बोलते हैं परचेज रिटर्न। अभी मैंने आपको नोटबुक का एक एग्जांपल दिया था, उस केस में हमारी जो नोटबुक थी वो नोटबुक में जो एग्जांपल दिया था हमने उसमें नोटबुक परचेज की थी, तो हमारी परचेजेज है वो नोटबुक, ठीक है। लेकिन जब हम परचेज रिटर्न करेंगे तो हमने अगर 10 नोटबुक्स मंगवाए थे उसमें से 2 जो हैं अंदर से करप्टेड हैं या तो ख़राब हैं या तो गीले हैं या तो उनका प्रिंट ठीक नहीं है, तो वो हम रिटर्न कर देंगे, तो उसको बोलेंगे परचेज रिटर्न। आई होप आप अंडरस्टैंड कर पा रहे हैं। आफ्टर दैट सेल्स क्या होता है? ये तो सबको पता है कि हम जब भी कुछ बेचते हैं उसको सेल्स बोलते हैं, बट बच्चे अकाउंट टर्म्स में, अकाउंटिंग में रेगुलरली होने वाली सेल्स को ही सेल्स बोलते हैं, ठीक है। सेल्स आर टोटल रेवेन्यूज
फ्रॉम गुड्स सोल्ड और सर्विसेज प्रोवाइडेड. जो गुड्स हमने लास्ट टाइम पढ़ा है अभी पीछे, उन गुड्स को सोल्ड करने पे जो होता है, जो प्रोसेस होता है, उसको सेल्स बोलते हैं. ये कैश होती है और क्रेडिट होती है. कैश में मतलब हमने सेल्स किया, सामने वाले ने कैश दिया, उसको कैश सेल्स बोलते हैं. क्रेडिट सेल्स मतलब हमने सेल्स किया, सामने वाले ने बोला आप मेरा नाम लिख लीजिए अकाउंट में, मैं आपको बाद में पेमेंट करता हूँ, उसको क्रेडिट सेल्स बोलते हैं. ठीक है. सेल्स रिटर्न क्या होता है? हमने जैसे हमने परचेज के टाइम पर दो बुक हमारे खराब निकल आए, ऐसे ही सेल्स के टाइम पर ऐसा भी तो हो सकता है कि हमने जो सामान बेचा उसमें कुछ डिफेक्ट हुआ हो, उसमें कुछ कमी हो, उसकी वजह से जो कस्टमर है अगर वापस कर जाता है या किसी भी रीजन की वजह से कुछ सामान वापस करता है, उसको हम सेल्स रिटर्न बोलते हैं. व्हेन सोल्ड गुड्स आर रिटर्न फ्रॉम द कस्टमर ड्यू टू एनी रीजन इज नोन एज सेल्स रिटर्न. उसके बाद डेटर्स क्या होते हैं? डेटर्स वो पर्सन्स होते हैं, या तो वो एंटिटीज होती हैं, वो लोग होते हैं, या तो वो कंपनी होती हैं जिनको हमने हमारी गुड्स और सर्विसेज सोल्ड की थी, बेची थी. ठीक है. अब क्रेडिटर्स क्या होते हैं? क्रेडिटर्स वो लोग होते हैं या वो फर्म्स या वो कंपनीज होती हैं जिन्होंने हमसे कुछ चीज़ें खरीदी थी. ठीक है. नहीं, सॉरी रॉन्ग हो गया. डेटर्स वो होते हैं जिन्होंने हमसे कुछ चीज़ें खरीदी थी और उन्होंने क्रेडिट टर्म्स पे ली थी और उनसे हमारा अमाउंट अभी तक रिसीव नहीं हुआ है. क्रेडिटर्स वो होते हैं जिनसे हमने कुछ चीज़ें खरीदी थी, यानी कि हमने परचेज की थी. डेटर्स को हमने सेल्स की थी, क्रेडिटर्स को हमने परचेज की थी और अभी तक हमने उनको अमाउंट दिया नहीं है, आगे के टर्म्स के लिए दिया है. कैश बेसिस पे हमने वो परचेज नहीं की थी तो वो हमारे क्रेडिटर्स हो गए. ये लायबिलिटीज होती है बिजनेस के लिए. नेक्स्ट इज, अभी आप एक एग्जांपल है छोटा सा देखिए. अभी आप सपोज कीजिए कि मेरा शॉप है और मैंने जो है सामान मंगवाया वहाँ से. कोई फर्म है ABC लिमिटेड है और वो मेरे शॉप के लिए गुड्स लेकर आती है. मेरी एक बेकरी की शॉप है और वो वहाँ से बेसिस लेकर आती है, केक बेसिस लेकर आती है. ठीक है. अभी मैंने 100 बेसिस मंगवाए और उनमें से 20 करप्टेड थे. करप्टेड मतलब वो वेस्ट हो चुके थे, ऑलमोस्ट ख़राब हो चुके थे और उनसे हम केक नहीं बना सकते हैं. तो मैंने वो 100 परचेज किए तो वो मेरे परचेजेस हो गए 100. ठीक है. और वो मेरे लिए क्या हो गए? क्रेडिटर्स हो गए. ठीक है. अभी उनमें से 20 करप्टेड निकले या ख़राब थे तो मैंने वो 20 वापस कर दिए. वो 20 वापस करने के बाद वो 20 हो गया परचेज रिटर्न. आप इसे ऐसे समझ सकते हैं. इसके बाद कुछ छोटे छोटे टर्म्स हैं जो रह गए हैं, जैसे कि BR क्या होता है. BR एक बिल्स ऑफ एक्सचेंज का टर्म है, जिसमें बिल्स ऑफ एक्सचेंज में जो BR है वो सेलर के लिए होता है. क्रेडिट सेल के टाइम पे जब भी क्रेडिट सेल होती है हम उसको एक बिल निकाल कर दे देंगे BR का, कि इन फ्यूचर तुम आना और इससे पैसे ले लेना. बिल्स रिसीवेबल उसे बोलते हैं. सेम वे में बिल्स पेबल होता है, ये भी बिल्स ऑफ एक्सचेंज का ही पार्ट है और ये परचेजर को दिया जाता है. जैसे BR सेलर को दिया जाता है, BP बिल पेबल परचेजर को दिया जाता है. ठीक है, क्रेडिट परचेज के टाइम पे. उसके बाद इनकम क्या है? इनकम एक वाइडर टर्म है. इसमें प्रॉफिट भी आ जाता है, इसमें रेवेन्यू भी आता है और उसके बाद गेन भी आ जाता है. जो भी आपने इन अ पीरियड ऑफ अ टाइम अर्न किया है उसको हम इनकम बोलते हैं. ठीक है. आफ्टर दैट है स्टॉक. स्टॉक क्या है? हम जब शूज़ बना रहे थे, शूज़ सेल कर रहे थे, तो सिर्फ 100 शूज़ बनाकर 100 शूज़ बेच नहीं रहे थे ना. हम 1000 शूज़ बनाकर शायद 100 बेच रहे थे, शायद 200 बेच रहे थे. तो जो हमने सेल ऑफ कर दिया और हमने जो बचा कर रखा था वो उसे स्टॉक बोलते हैं. एक बार एक जो सेल हो गई उसके अलावा जो हमारे पास सामान बचा था उसको हम स्टॉक बोलते हैं. ठीक है. कॉस्ट. कॉस्ट होती है वो एक्सपेंडिचर जो हमें कुछ भी मैन्युफैक्चर करने में या कुछ भी गुड्स को सेल के लायक बनाने में लगा. लाइक हमने जब नोटबुक का एग्जांपल किया था तो नोटबुक को बनाने के लिए हमने एक्सपेंडिचर किए थे किस पर? कवर पेपर पे, प्लास्टिक पेपर पे और उसके स्लिप पर, चिट पर. जो हमने एक्सपेंडिचर किया था उसको उसकी कॉस्ट बोलेंगे. उसके बाद हमारा एक टॉपिक आता है डिस्काउंट. डिस्काउंट हमें पता हुआ क्या होता है. कोई भी प्रोडक्ट लाते हैं हम कहीं से भी, उस पर MRP लिखा है 10 रुपीज़ और उस पर लिखा होता है 2 रुपीज़ डिस्काउंट. 2 रुपये के डिस्काउंट पे है ये चीज़, तो वो 2 रुपये जो होते हैं डिस्काउंट होता है. अकाउंट के लैंग्वेज में वो रिबेट गिवन बाय द सेलर टू द बायर उसको डिस्काउंट बोलते हैं. दो तरह के डिस्काउंट होते हैं, ट्रेड डिस्काउंट एंड कैश डिस्काउंट. ट्रेड डिस्काउंट होता है वो डिस्काउंट जो बायर को और ज़्यादा बाय करने के लिए दिया जाता है, और कैश डिस्काउंट वो होता है जो डेटर्स को दिया जाता है ताकि वो अपने ड्यूज एक टाइम पर
पे कर दे, जल्दी पे कर दे। उसके बाद वाउचर्स क्या होता है? वाउचर बेटा डॉक्यूमेंट्री एविडेंस होता है ये ट्रांजेक्शन का। सबसे इंपॉर्टेंट ज़्यादा वाउचर होता है, क्योंकि हमारे पास जब वाउचर आता है तब हम उसे देखकर ही रिकॉर्ड करते हैं। लाइक हमने जो है अपने कंपनी के लिए अगर एसेट्स में एक एसेट्स में मान लीजिए हमने चेयर्स खरीदे थे कस्टमर्स के आने के लिए, मीटिंग्स के लिए एक टेबल और चेयर, टेबल खरीदा था मीटिंग के लिए और चेयर्स खरीदे थे मीटिंग रूम के लिए। अभी हमें कैसे पता हम उसको रिकॉर्ड कैसे करेंगे? उसकी वाउचर्स के थ्रू रिकॉर्ड करेंगे, ठीक है। उसके बाद इफ़ वी बाय गुड्स फॉर कैश वी गेट कैश मेमो, इफ़ वी बाय गुड्स ऑन क्रेडिट वी गेट इनवॉइस, एंड इफ़ वी मेक पेमेंट वी गेट रिसिप्ट। अगर हमने क्रेडिट पे गुड्स खरीदे हैं तो हमें इनवॉइस मिलता है, और अगर हमने पेमेंट की है तो रिसिप्ट मिलता है, लेकिन अगर हमने कैश पे खरीदी है तो कैश मेमो मिलता है। हर चीज़ का वाउचर होता है, इन एविडेंसेस को वाउचर बोलते हैं। अगर आप सामान भी लेंगे ना मॉल से भी, आपने सामान लिया होगा कभी भी मॉल से सामान लेते हैं तो एक लंबा सा बिल निकाल कर दे देते हैं पे करने के लिए, उसके दो कॉपीज होते हैं, उन्हें वाउचर्स बोलते हैं, ठीक है। वो अपने रिकॉर्ड के लिए रखते हैं, एक हमारे रिकॉर्ड के लिए होता है। अब ये लास्ट है हमारा, डबल एंट्री सिस्टम ऑफ बुक कीपिंग डबल एंट्री सिस्टम पे होती है। बेटा हमारा भी हमें डबल एंट्री ही सिस्टम पढ़ना है, अकाउंटिंग हमेशा डबल एंट्री सिस्टम पे ही चलती है। डबल एंट्री सिस्टम का मतलब क्या है? डबल एंट्री सिस्टम का सिंपल मीनिंग होता है दो बारी एंट्री करना किसी भी चीज़ की, ठीक है। हमारे अकाउंट्स बैलेंस ही तब होंगे जब हम उन्हें डबल एंट्री बेसिस पे चलाएंगे। लाइक अभी देखिए, मैंने कोई चीज़ खरीदी थी, ठीक है, मैंने सपोज कीजिए कि मेरा जो बिजनेस है बेकरी का बिजनेस था, उसके लिए जो मैंने अभी केक बेसिस खरीदे थे वो नहीं रिकॉर्ड कर लेते हैं, ठीक है। मैंने वो क्रेडिट बेसिस पे खरीदे थे, ठीक है, तो क्रेडिट परचेज में डाल देंगे 100 सबसे पहले तो, और उसके बाद हम क्रेडिटर्स में डालेंगे। दो जगह पर उनकी एंट्रीज होती हैं हमेशा, एक जगह पर परचेजेज में, दूसरी जगह पर क्रेडिटर्स में, ठीक है। ऐसे ही अगर हम किसी चीज़ को कैश के लिए खरीदते हैं तो सबसे पहले जो चीज़ आई हम उसको लिखते हैं, और फिर जितने पैसे हमने दिए उसको लिखते हैं। दो जगह हमारी कोई भी एंट्री इफेक्ट करती है, इसलिए हमारी बुक कीपिंग, हमारी अकाउंटिंग को डबल एंट्री सिस्टम बोलते हैं। अभी आपको ये बोल रहा है कि बुक कीपिंग को डबल एंट्री करना होता है, बुक कीपिंग डबल एंट्री होती है जिसमें दो एस्पेक्ट होते हैं, एक डेबिट एक क्रेडिट, ठीक है। जो इंडिविजुअल है, जो पर्सन है, कोई भी चीज़ को, कोई भी आइटम को, इनकम को अकाउंट में लिखेगा तो वो इक्वल अमाउंट्स में लिखेगा डेबिट और क्रेडिट के, ताकि हमारे सारे डेबिट्स जो है हमारे सारे क्रेडिट के इक्वल हो जाए। दैट्स व्हाट कॉल डबल एंट्री सिस्टम। दूसरा है मैनेजमेंट अकाउंटिंग। ये वो फील्ड है, ये वो ब्रांच है अकाउंटिंग की जिसमें हमारी वो अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन होती है जो हमारे मैनेजमेंट को प्लानिंग करने में फ़ायदा देती है। हमारी वो इन्फॉर्मेशन जो हमें ये बताएगी कि हमें हमारे प्लान को किस तरह से, हमारे एक जो अकाउंटिंग पीरियड है उसको किस तरह से प्लान करना चाहिए, किस तरह से कंट्रोल करना चाहिए, और कौन कौन से बेटर डिसीजंस लेनी चाहिए। देखिए जो मैनेजमेंट अकाउंटिंग होती है ये हमेशा ट्रेडिंग लेवल की होती है, इसमें हमेशा डायरेक्ट मटीरियल, डायरेक्ट लेबर, वेरियंसेस ये सब कुछ होता है। इन्वेंट्री को ज़्यादा इफेक्ट करती है। ये आज की आपकी क्लास थी, और इसके अलावा आपकी जो भी सब्जेक्ट्स हैं हम डे बाय डे अगर आते रहेंगे तो कंटिन्यू करते रहेंगे उनको, जैसे ही डे बाय डे हमें ध्यान आता रहेगा वैसे वैसे कंटिन्यू करते रहेंगे। और भी जो सब्जेक्ट्स है, यहाँ पर आपका फर्स्ट चैप्टर खत्म हो जाता है विच इज़ इंट्रोडक्शन ऑफ अकाउंटिंग। योर फर्स्ट चैप्टर इज़ डन, अकाउंटिंग एंड इट्स टर्मिनोलॉजी। आप अपनी बुक्स में रीड करेंगे तो आपको ये सारी चीज़ें मिलेंगी जो मैंने आपको बताई हैं तीनों पार्ट्स में मिला के, उसका इंट्रोडक्शन, ऑब्जेक्टिव, एडवांटेज, डिसएडवांटेज, ये टर्मिनोलॉजी, और जो थ्री पार्ट्स हैं अकाउंटिंग के ये तीनों। तो आज की क्लास यहीं पर एंड करते हैं। थैंक यू।